Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. Thank you.
अब ये कितना दूर है बॉर्डर? 10-12 किलोमीटर दूर होगा। जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा लो, नूरा पहुंच गया होगा। चलो तुम लोगों को हिंदुस्तान की सैर करा देते हैं। तेरे साथ गुजारा करना सबके बस की बात नहीं आफ्ताब। आफ्ताब मेरी बात मान ले, वापस चल। देख, बॉर्डर पर चोरी करना बच्चों का खेल नहीं है, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात सुन, वापस चल। आफ्ताब, अब तक क्या कर रहा है तू? जितना कहा है उतना कर। बाहर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तेरा आदमी सही जगह पर मुस्तैद था। जल्दी माल निकाल लो, 1 घंटे में तुम्हें वापस जाना है वरना ड्यूटी बदल जाएगी। चलो। hey, माल चेक कर रहा। उठाकर बाहर फेंक, दिख नहीं रहा है, झूठ झूठ।
जा। ये तो मुस्तफा है, हमारे गांव का छोरा। खाल उतार दूंगा थारी। बॉर्डर की चौकी पर सोते हो? सोते हो? सोते हो? बॉर्डर की चौकी पर सोते हो? दो दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था यहाँ की तस्करी को लेकर। ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हमारे ऊपर। ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हम पर। क्या जवाब दूंगा? छोड़ दीजिए इसे सर। बंदरों को तिवारी। डर सीधे। बैकुंठ साहब, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? ये तो मामूली प्यादे हैं। असली मलाई तो कोई और खा रहा है। कुछ तो करना ही होगा भक्ता। ये राजस्थान है, यहाँ के रेत के बवंडर में बहुत कुछ छिपा है। मजा आएगा। कल रात तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मुस्तफा ने मुझे बताया कि कल फिर तुम बॉर्डर गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ आफ्ताब, तुम जानते हो कल हम जम्मू जा रहे हैं रेहना की शादी के लिए। उसके बाद अबू का तबादला हो रहा है धौलपुर में। तुम रिश्ते की बात करने कब आओगे घर? रिश्ते की बात तो हो गई। किससे? अपने रब से। देखो मजाक मत करो। जन्नत की सैर करोगी? जन्नत? आओ। मुझ पे भरोसा है? थोड़ा थोड़ा। तो फिर आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखता रहा तो आज बस। तो आज क्या? जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूं उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन आज मैं उस एहसास का एहसास दिलाना चाहता हूं तुम्हें। महसूस करोगी? तो फिर आंखें बंद करो। हवा का पहला झोंका तुम्हारे दामन को छूना चाहता है। तो छूने दो ना। आसमान ने अपनी बाहें फैलाई हैं, वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है। लेने दो ना। बरसात होने वाली है। होने दो ना। आसमान से पहली बूंद तुम्हारी तरफ आ रही है। होने दो ना। वो तुम्हें भिगोना चाहती है। भिगोने दो ना। परदेसी हो गया।
दिल परदेसी हो गया। उस रात ट्रक में तेरे साथ कौन था? अपने मुंह से क्या तारीफ करेगा, मेहनत से तो डरता ही नहीं मेरा बेटा। 2 महीने में कारखाना खड़ा कर लिया है। खुदा की मेहरबानी से जिंदगी मजे से कट रही है। बस एक कमी है तो बहू की, जो घर में आके राज करे। इसके अब्बा क्या करते हैं? जी वो हमारे साथ नहीं है, वो उनके साथ हैं जिन्हें शायद वो हमसे ज्यादा चाहते हैं। कब हुआ इंतकाल? रुखसाना बेटी नहीं नजर आई, अभी बुलाती हूँ। ठहरो बेगम, उससे पहले कुछ बातें साफ हो जाए तो बेहतर है। हम समझे नहीं। देखिए बहन जी, हम भी राजस्थान के हैं, जात बिरादरी में उठना बैठना होता है। अब लोग आगा पीछा पूछेंगे तो क्या कहूंगा? शराफत बाजार से तो नहीं खरीदी जा सकती, वो तो खून में होती है। शेख साहब, मेरे अब्बा अजमेर में मौलाना थे और मेरे दादा नवाब के मौलवी थे। और आफताब के अब्बा? रहने दीजिए बहन जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। इसके नाम के आगे कोई नाम नहीं है। बाप का नाम ही वो कश्ती है जो औलाद के लिए जिंदगी के तूफानों में सहारा होती है। इसके पास तो तिनके का भी सहारा नहीं है। चलो अम्मी। वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है जय। तुमने एक बार फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है ना? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा रागिनी, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी पक्की है कि वो लोग मुझे ना कर ही नहीं सकते। आपकी मेहनत से मैं और मेरे पार्टनर्स बहुत खुश हैं। वेल डन मिस्टर धनंजय। थैंक यू सर। वेल दैट्स प्रीटी मच इट जेंटलमैन। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरों के मेन होर्डिंग्स और 40 अखबारों के पूरे पूरे पन्ने बुक कर चुका हूं। एडवांस पेमेंट जा चुकी है। आपका ये प्रोडक्ट एक तूफान, एक सैलाब की तरह आएगा सर, और हिंदुस्तानी मार्केट पर काबू कर लेगा। मिस्टर पंडित सर,
आप जानते नहीं मैंने इस पर कितनी मेहनत की है। We must move with this campaign immediately, sir. Mr. Pandit, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत तब होंगे जब हमारे चेयरमैन परसों विलायत से लौटेंगे। Congratulations. Anyway, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ही होगा। Thank you very much. जय, जल्दी करो, शो शुरू हो जाएगा। अरे पहले मेरा प्लान तो सुनो। ओफो, अब कौन सा प्लान है जय? हमारी बाकी जिंदगी का प्लान। अरे रागिनी सुनो तो सही, मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया है। ओके, टेल मी। ग्रेट, एक बार मेरी फॉरेन कंपनी के साथ डील पक्की हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हो जाएं, तो बस 14 तारीख को शादी की शॉपिंग और तैयारी शुरू, 16 तारीख को शादी के कार्ड छपेंगे, 18 तारीख को कपड़े। बस बस, इतने सपने मत देखा करो, डर लगता है। जिंदगी में 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, अचानक कुछ भी हो सकता है। अरे अचानक वचानक कुछ नहीं होता रागिनी, ये सब डरपोक लोग सोचते हैं। मैंने जो सोचा है वो पाके रहूंगा, पा सकूंगा ना? जरूर पा सकोगे। जय, तुम्हारी फोटो, और वो भी पेपर के पहले पन्ने पर। चेक दिस, धनंजय पंडित जस्टिस सुराब जी के हाथों एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा अवार्ड पा रहा है। वाओ, इंडिया के बिजनेस मार्केट पे वो अब छा जाएगा। 25 साल का होनहार, स्मार्ट, डैशिंग, डायनामिक। बस बस बस, मेरे हिसाब से आज के लिए डायनामिक तक ही काफी है। और साथ में हैंडसम भी। लेकिन साथ में तो सुराब जी खड़ा है, बुड्ढा तुम्हें हैंडसम लगता है क्या? शायद। अब तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस दुनिया के बारे में मैंने सोचा है उसमें बस हम और तुम रहेंगे, और हमारे साथ कामयाबी ही कामयाबी। क्यों, क्या ख्याल है? बच्चे हो तुम, बिल्कुल बच्चे। हाँ बच्चा हूँ, मगर बहुत शरारती हूँ, बैंड बजा दूंगा तुम्हारी। हेलो मिस्टर पंडित। हाँ जी, दिस इज मिस्टर पंडित। मैं डॉक्टर शेखावत बोल रहा हूँ, मानपुर राजस्थान से। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। आपके पिता मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या हुआ बाबा को? उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं अभी आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का आईसीयू वार्ड का है। Do you understand? बोल नहीं सकता क्या? पढ़ नहीं सकता क्या? Bloody idiot. भाई साहब जी, मिस्टर रमाकांत पंडित कहाँ मिलेंगे? आइए हमारे साथ। बेटा जी सुनो, तुम धनंजय हो? हाँ जी। जीते रहो। बेटा तुम कौन है वो? बताती हूँ। बाबा ये सब क्या है? इतने महीनों से आपकी कोई खबर नहीं, और अचानक ये सब। आपको फौरन मेरे साथ वापस आना पड़ेगा। और सब खत्म हो चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ बोलोगे नहीं? क्या सुनना चाहती हो? कि मैं अपने बाप के बारे में जानकर बहुत खुश हूं, उसके होने ना होने से कुछ नहीं बदला, मैं तो आज भी वही हूं, किसी की नाजायज औलाद। ऐसा मत बोल बेटा, वो तुझे अपना नाम देना चाहते हैं। मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं, मेरा नाम आफताब है, और मेरी कहानी इसी से शुरू होती है और इसी पे खत्म होगी। मैं और मरियम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों एक हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की की शादी। फिर भी तुम्हारे दादा से इजाजत लेने के लिए मैं कलकत्ता से बंबई आया, लेकिन किस्मत देखो, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सन 71 की लड़ाई शुरू हो गई, और एक दिन अखबार में मैंने मरने वालों में मरियम का नाम पढ़ा, बस हार मान ली मैंने, और कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो गई। लड़ाई के आखिरी दिनों में पता चला कि तू मेरी कोख में है। मैं उनसे मिलने बंबई गई, वो तो नहीं मिले, लेकिन उनकी बीवी ने अपने बसे बसाए घर का वास्ता देकर मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। और बेटे, मरते वक्त तुम्हारी माँ ने बताया कि मरियम जिंदा है और
और मेरा बच्चा उसके साथ है। कई महीनों की तलाश के बाद आखिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उस दिन से बस वो तुम्हें मिलने की भीख मांगते रहे और मैं उन्हें मना करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी की सारी कड़वाहट, सारी नाराजगी का सारांश वो आदमी है। बेटा, मैंने डर को कभी अपने नजदीक आने नहीं दिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरी कोख में है, मेरे अंदर से आवाज आई, क्या मुझे हक है इस बच्चे को दुनिया में लाने का? ये जानते हुए कि मैं एक नाजायज औलाद पैदा करने जा रही हूं, ये जानते हुए कि दुनिया का हर आदमी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस बच्चे को अपनी इज्जत की ढाल बनाएगा, तब मेरे अंदर से जवाब आया, मेरे इस फैसले को पाक बनाना सिर्फ मेरे बच्चे के हाथ में होगा। तू चाहती है ना मैं उससे मिलूं? चल। इस तरह नहीं बेटे, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो अपनी सारी जिंदगी का जहर एक ही घूंट में पी जाऊं। यही वो आदमी है जिसने हमारा ट्रक उड़ाया था, और ये इसका शहरी भाई है जो हमारा काम करेगा। इसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, और शास्त्र कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद उनके अधूरे संस्कार, उनके सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सब कुछ बड़े बेटे को ही पूरा करना है, पिता के वंश को आगे बढ़ाना है, और पिता के सारे सांसारिक रिश्ते नातों को मन, वचन, कर्म से अपना लेना है। अब वो ही उसका उत्तराधिकारी है। बड़ा बेटा आगे आए और मुखाग्नि दे। लाइए पंडित जी। इस सोमवार के अगले सोमवार एकादशी है बेटा, बहुत शुभ दिन है, उसी दिन आके अस्थियां ले जाना और विसर्जन कर देना, बहुत शुभ रहेगा। आफ्ताब बेटा, तुम रस्म पूरी होने से पहले क्यों चले आए? मैं धनंजय को घर बुलाना चाहती थी। तुम्हारे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों भाई। कौन से भाई की बात कर रही हो तुम? किसका बाप? ना मेरा कोई बाप था ना भाई है। बेटा मैं जानती हूँ। जानती है? तू शायद ये जानती है
कि तेरे एक फैसले ने मेरी जिंदगी में कितना जहर भर दिया था, लेकिन तू ये नहीं जानती कि तेरी आज की जिद ने क्या किया है। मैंने अपने जख्मों को जिंदगी भर पालकर आखिर भर तो दिया था, तूने आज एक झटके में उन्हें फिर से ताजा कर दिया है। कम से कम मैंने अपनी एक पहचान तो बनाई थी कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूं, आज तूने मुझसे मेरी पहचान भी छीन ली। तूने मुझे एक दीवार बना दिया है जिस पर वो अमीरजादा थूक कर चला गया। मुखाग्नि हिंदू रस्म है, शायद तुम्हारे मुसलमान होने के नाते। बात मजहब की नहीं है, बात हक की है। तू जानना चाहती है ना कि मुझे जन्म देने का तेरा यह फैसला सही था या गलत? तो सुन, तेरा यह फैसला गलत था। तूने मुझे कोख में ही मार दिया होता। क्या क्या सुनना चाहती हो तुम कि मैंने उसे मुखाग्नि का हक क्यों छीन लिया? हक उससे छीना जाता है रागिनी जिसके पास हक हो। लेकिन जय, तुम्हारे बाबूजी का ही तो कहना था कि उन्होंने अपनी जवानी में गलती की थी, और वो आफताब और उसकी माँ बस वही हैं, मेरे बाप की एक गलती। तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े सच को मानने से कैसे इनकार कर सकते हो? वो लोग अब तुम्हारे अपने हैं जय। रागिनी प्लीज बंद करो तुम्हारी ये फिलॉसफी और मेरा दिमाग और खराब मत करो। अरे तू कैसा है? सर मैं आपके पास अनाथ आश्रम से। अरे नहीं, एक मिनट, तू अंदर कैसे है? सर दरवाजा खुला था तो मैं। अरे कोई है? सर, ओ, सर, अशोक सर सुनिए। अरे सर, तू चुप रह। देखो जिसे देखो मेरी जिंदगी में घुसा चला रहा है, तू बाहर निकल इसी वक्त। शर्म नहीं आती तुम्हें लोगों के सामने घुसे चले आते हो? चलो। सर मेरा चंदा। अबे पैसे नहीं है मेरे पास। क्या सोच रहे तू? तू यही सोच रहा है ना कि साहब के पास इतना बड़ा घर है लेकिन चंदे के लिए पैसे नहीं है, यही सोच रहा है ना तू? नहीं सर। नहीं नहीं, सोच, सारी दुनिया यही सोचती है। धनंजय पंडित क्या नहीं है उसके पास? आलीशान मकान, एसी गाड़ी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड। लेकिन सच सुनना चाहोगे तुम? तो सुनो, सच तो यह है कि वो गाड़ी, ये मकान, मेरा सब कुछ बैंक के पास गिरवी रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए पिछले 5 साल से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। समझ गया? अब तू एक काम कर, 2 दिन बाद आ। अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो चंदा तो क्या, मैं तेरे लिए एक नया अनाथ आश्रम खड़ा कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ कटोरी लेके घूमूंगा। अब तू ये ले और जा। थैंक यू सर। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे थे? तुम एक अनजान बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा बैंक बैलेंस डिस्कस कर रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? ऑफ कोर्स पागल हो गया हूं। और तुम्हें तो मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही ना रागिनी? परसों अगर उस अंग्रेज ने फोन पर ना कर दी तो मैं ये सब संभालूंगा कैसे? और ऊपर से तुम्हारी अपनी फिलॉसफी है। व्हाट वाज दैट? नफरत से इतना क्यों डरते हो? वाह, यहां मेरी बैंड बजी हुई है और तुम्हें फिलॉसफी सूझ रही है। पागल मैं नहीं, पागल सारी दुनिया हो चुकी है। जवान।
कोई ड्रागी नहीं, मुझे अकेला रहने दो, तुम जाओ यहां से। ये दिल तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है, तुझसे खफा मैं नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं, ऊपर से मैं कुछ भी कहूँ अंदर से टूट गया हूँ। हाँ मेरे होठों के पास प्यास मेरी जाग उठी है, ना कर बेईमानी, एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी, बुझ जाए दिल की ये आग, बुझ जाए दिल की ये आग, आग पे अब के बरस तो बरस जाए पानी। हेलो धनंजय। हाँ जी, आप कौन? मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। देखो फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कल यहाँ आ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। धनंजय मैं बहुत मुसीबत में हूं। देखो वो सब तुम जानो, मैं नहीं आ सकता। समझने की कोशिश करो, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। फैसला तुम्हारे हाथ में। जय, रिलैक्स जय। फौजी इतने दिन हो गए, ये क्या लगा रखा है सब? हमारा माल अभी तक नहीं पहुंचा। अभी हालात बहुत गर्म है, सरकार ने खास कमीशन बिठाया है बॉर्डर की स्मगलिंग के बारे में। तुम्हारे प्रॉब्लम से हमें कोई वास्ता नहीं। सौदे के पैसे मैं एडवांस में मैं पूरे दे चुका हूँ। फौजी तुम सरकारी लोग बेईमानी के काम में भी ईमानदारी नहीं बरतते। जो आदमी हमारा काम नहीं कर सकता उस आदमी को हम किसी काम के लायक नहीं छोड़ते, याद है मेजर जसवंत? चल चल। आफ्ताब से मिलना है क्या? हाँ। वो घर पे नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेगा वो? आओ मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि तुम जेल में हो। ये सब मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था। तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे यहां क्यों बुलाया है। मुझसे किसी का माल खराब हो गया है, उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि मैं ओके समझ गया। तो ये सारा नाटक पैसों का था, बोलना कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? हाँ माल तो 50 लाख का था। 50 लाख? अरे कोई मजाक है? देख मेरे पास कोई बाप दादा की जागीर नहीं है, जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मेरी एक चीज ला दो। अस्पताल के पीछे एक गोदाम है जिसमें एक अलमारी है, उस पर एक बैग रखा है, बस वो ला दो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसे मुझे क्या लेना देना है? मैं इस लफड़े में क्यों फंसूं? देखो, मेरी अम्मी की जान खतरे में, और इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूं। लेकिन उस बैग में क्या है? डरने की कोई बात नहीं है, उसमें एक कीमती चीज है बस। लेकिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, वक्त बहुत कम है, बस वो चीज ला दो। भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साले, तूने तो कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। देख देख इसे, वहां किसी की लाश पड़ी हुई है, खून हो गया किसी का। तुम्हारी तो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने मुझे फंसा दिया। औकात दिखा दी ना अपनी, क्यों फंसाया मुझे? बोल, चाहते क्या हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कभी। बंदूक लेके खड़ा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच ली। हाथ मत लगाना मुझे। रुक जाओ, ये किया उन लोगों ने अम्मी के साथ। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो वो रोज एक उंगली काटते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें तो क्या, बस मैं हो तो खुदा को भी बुला लो। सुनो, बातचीत बंद करो। चलो मेरे साथ। वो आदमी कौन है? घबराओ नहीं, गौर से मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जस्टिस सौराब जी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं, और मीटिंग के बाद वो अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम्हें ये पैकेट उनकी कार में रखना होगा। क्या है इसमें? हमारी तरफ से एक चिट्ठी और कुछ रुपए। बिजनेस के जुबान में इसे रिश्वत कहते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो? सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जज साहब रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत तो सब लेते हैं, सिर्फ अपने अपने तरीके से। तुम ये पैकेट उनके कार में रख दो, बाकी वो खुद समझ जाएंगे। तू क्यों नहीं करता? इसलिए कि जस्टिस सौराब जी के पास जेड सिक्योरिटी फोर्स है। हम वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम वहां पहुंच सकते हो, और ये बात हम जानते हैं।
कौन है वो आदमी? जितना कहा जाए तुम सिर्फ उतना ही करो। तुम लोग अपना होमवर्क कर चुके हो। देखो मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे और जरूर करोगे। आपको स्टेटमेंट देना चाहेंगे सर? हाँ, जिस हथियार का काम दुश्मनों के आतंकवाद को रोकना है उस पर भ्रष्टाचार का जंग लग चुका है। जस्टिस सराब जी, आपका इशारा कहीं ऑफिशियल्स की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, ऑफिशियल्स हमारे बॉर्डर पर हथियार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स सरहद के पार बिक चुके हैं। लेकिन सर, इस तरह अपने ऑफिशियल्स पे शक करने से उनका हौसला नहीं टूटेगा? भ्रष्ट ऑफिशियल्स को ढूंढ निकालने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। और शक कौन कर रहा है? सारी रिपोर्ट, सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और 24 घंटे के अंदर इसमें से सच निकाल लूंगा और उस सच को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखूंगा। Enough. बोल, कहाँ भेजा उसको? चलिए आइए। थैंक यू जेंटलमैन। जस्टिस स्वराज जी, मिस्टर धनंजय पंडित, एम आई करेक्ट? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको ढूंढते हुए आ गया सर। मुझे? इट्स ऑल राइट, मैं जानता हूँ इन्हें। सो सर, मैं इंडिया के मौजूदा हालात पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ सर। जिसमें आप मेरे हीरो हैं। मैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह आप लड़ रहे हैं सर, उस पर ये फिल्म बनेगी। मैं साबित करना चाहता हूं सर कि एक ईमानदार ऑफिसर देश के कोने कोने में घूमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत किस तरह इकट्ठे कर रहा है। मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर, ताकि मैं आपका हर पहलू दिखा सकूं। सर, आप जैसे लोग तो हिंदुस्तान के नौजवानों में जागृति लाएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इस वक्त जल्दी में मुझे दिल्ली में कॉल करना। थैंक यू सर। थैंक यू योर ऑनर। ये बातों से नहीं मानने वाला। मैं आपसे हजार बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी अंधेरे में बैठा था। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे जिसे मैंने देखा है आप उसे क्यों नहीं ढूंढते? थारी नौटंकी, बता बता तुझे बम किसने दिया? बता, बता। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बॉम्बे फोन करना है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। छोड़ दीजिए मुझे। ए, अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा। ई बॉर्डर को इलाको है, यहाँ मैं ही वकील हूँ, मैं ही जज हूँ और मैं ही जल्लाद हूँ। तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उस टीके वाले को ढूंढे ना। क्यों, ताले पड़ गए ना थारी जबान पे? हैं? अब मैं तुझे बताता हूं, तू और थारो भाई, वो मरियम को छोरा, तुम दोनों मिलके इस इलाके में हथियारों की तस्करी करते हो। हाँ। वो यहां देहाती और तू सफेद पोश शहरी।
अच्छी जोड़ी है। हाँ अच्छी जोड़ी है। अरे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी आदमी ने मुझे फंसाया है। आप उससे क्यों नहीं पूछते? उससे भी पूछेंगे। भक्ता बुला भेज साले को। बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आ गया तू? थारी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। बहुत चर्बी है ना? तुम लोग साले जिस थाल में खाते हो उसी में थूकते हो। नासूर बन गए हो हमारे लिए। बहुत गर्मी है, चल देखा देखा अपनी गर्मी। अब गंदे लोग, गंदा खून। घूर घूर कर क्या देखता है? नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। गिराओ हथियार, मैं कहता हूं गिराओ हथियार। नहीं नहीं, कोई ईश्वर की बातों मत जाओ। धनंजय बंदूक लो। आफ्ताब बंदूक लो। कमान चलो, कमान मूव, अंदर चलो, चलो। कमांडेंट बैकुंठ, आपकी तारीफ। मैं सीबीआई से हूं, असिस्टेंट डायरेक्टर मनोहर सिंह जडेजा। तो हम क्या करें? हम नरीमन सोराब जी की हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। किस चीज की छानबीन करेंगे आप? है केस बिल्कुल सीधा साधा है। दोनों भाई आतंकवादी हथियारों की तस्करी में घुसे हुए थे। लगा कि सोराब जी उन्हें पकड़वा देंगे, इसलिए गाड़ी में बम रखकर उड़ा दिया उन्हें। पूछताछ के दौरान कबूल भी किया है लौंडे ने। फिर भी मैं उनसे बात करना चाहता हूं। वो दोनों तो अभी अभी यहां से फरार हो गए, और आप लोग क्या खड़े खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो साले गांव के छोरे आजकल बड़े खतरनाक हो गए हैं। अरे बैकुंठ साहब के कनपट्टी पे गन रखकर भाग दे, बस ये रेडियो ठीक हो जाए तो सारे चेक पोस्ट पर खबर कर दूंगा। मैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और FIR देखना चाहता हूं। आप शायद ये भूल रहे हैं कि केस मेरा भी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने छानबीन कर ली है। मिस्टर बैकुंठ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। साले तुम जानते भी हो ये कितना बड़ा केस हो गया है? मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं, आतंकवाद के, असैसिनेशन के। एक जज मारा गया है। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? मैं खुद नहीं जानता था उस पैकेट में बॉम्ब था। अरे मैं कहता हूँ बाइक रोको, मुझे जाने दो। इस वक्त यहाँ से हमारा निकलना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रुक गया तो किसी ना किसी के हाथों में जरूर मारा जाऊंगा। समझने की कोशिश करो। इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा आफ्ताब, बाइक रोको। साला काली जुबान,
ओह शिट, अब क्या करेंगे, हम हैं कहाँ? अरे यार मुझे बॉम्बे पहुंचना है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। तू जानता है भी यार वकील क्या? शिट! तू जानता भी एक वकील क्या होता है? एक काला कोट पहना आदमी जो तुम्हारे सारे पैसे ले लेता है, मगर कम से कम तुम्हें इन जैसे मुसीबतों से तो निकाल देता है। तो रोका किसने? जाना। अरे इस झन्नुम से कोई निकलेगा कैसे? तुम्हें लगता है यहाँ किसी ने टैक्सी का नाम सुना होगा? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, कैन समबडी गेट मी अ टैक्सी प्लीज? टैक्सी, 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 टैक्सी क्या चिल्लाता है? चिल्लाना है तो प्लेन प्लेन चिल्लाना, वो भी आ जाएगा। शट अप आफताब, देख बहुत हो गया आफताब, मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मीटिंग है और मैं यहाँ तुम्हारा। जब तक मैं मोटरसाइकिल ठीक करता हूँ तू पीछे डाल। अरे बाहर में जाए खाना, मुझे वहां, देख मुझे बॉम्बे पहुंचना है और इसी वक्त पहुंचना है। ओके तो एक काम कर, बाएं मुड़ के चलते जा, 8-10 महीने में पहुंच जाएगा, और अगर खाना बोलना है तो पीछे बोल। यू नो यू आर एन ऑब्नॉक्शियस फूल। अपने लिए वो बोल दे, मेरे लिए दाल बाटी बोल, और सुन मुंह धो के जा। Oh, Jesus. Shit! अरे तू यहाँ क्या खड़ा है, जा जल्दी दही लेके आ जा। सब 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 बंजारे आए हैं। अरे तू उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तड़का मार जा। ओफो बंजारे हैं, बंजारे नाचने गाने वाले। नाचने वाले? हाँ। अरे वाह, मतलब आज रात नाच होगा, गाना होगा। हाँ। वो भी मक्खन मार के। हाँ। भाई साहब यहाँ पे खाना मिलेगा? गाना थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, गाना। खाना खाना, फूड फूड। ओह अरे साहब रुकिए तो सही, आज रात हम जश्न पेश करने वाले हैं, जश्न। हाँ जो भी हो उसमें मिर्ची थोड़ी कम डालना। अरे साहब, एए, खाना लगा। अरे साहब आप आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। हाँ, आप भी बैठिए साहब, पहले आप गर्मा गर्म गाना देखिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। ये लीजिए ये लीजिए, पी कर देखिए, देख कर पीजिए। अरे वाह क्या गाना है, वाह वाह वाह। शुरू तो होने दे।
प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्जाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्जाम नहीं कोई, इश्क आशिकालो सूलियत टंगदा, इश्क आशिकालो सूलियत टंगदा, है इश्क दी गली विचों कोई कोई लंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंगदा, ओ कितने चलिया कुड़िया ना यार, आज नहीं छना तेनो। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए हमें। अरे कैसे लोग आते हैं आपके रेस्टोरेंट में, सारा मूड खराब कर दिया। अरे आप थामे, हाथ ले रहा, आप छोड़ दो, आप ये लीजिए, कुड़िया लीजिए, आप जाइए, What am I doing in this place, man? आफ्ताब, 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 अंदर बात ताला के लिए दिखा रहा था ना अंदर। छोड़ दे इसे। सलाह हराम की औलाद। क्या बोला, फिर से बोल। और क्या बोलेगा तेरे को, साला हराम की औलाद। ये सब क्या है? मिट्टी है, गर्मी चूस लेगी। तो अपने माथे पे लगा, बहुत गर्मी है वहाँ पे। तू अपने आप को डॉक्टर समझ लगा है क्या यार, पूरे बॉडी पे मिट्टी लगा दी तूने। This stuff stinks, man. तुम लोग क्या मिट्टी को समझोगे, ये ले पी ले, जा रहेगी। ये क्या है, बैटरी वाटर? शोरबा। What? शूप है, शूप, अंग्रेजी में शूप बोलते हैं इसको। अरे शूप नहीं, सूप, सूप। हाँ हाँ वही। Yes. ठीक है सिखाना साला। Wow, it's amazing यार। क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ये तो चिकन सूप से भी बेटर है। काय का बनाया है? मेंढक का। मेंढक का? जंगल में चूहा नहीं मिला ना, इसलिए। अरे कैसा। जल्दी चल वरना मेंढकी आ जाएगी बदला लेने के लिए। बहुत ठीक है, काम बस गया मैं। जान ले कि पीछा छोड़ेगा क्या? तुम बंबई जाना चाहते हो और मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं, और बकबक करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तो तुम्हें कौन मुंह लगा रहा है, कड़वी जबान कड़वा आदमी? तुम क्या टपके मेरी जिंदगी में, कभी खून, कभी लाश, कभी बम ब्लास्ट, कभी 5 मिनट चुप भी रहा करो। तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। स्टॉप सिग्नल, ओके, थैंक यू, टाटा। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बहुत कमीना है तू, अपनी जान तो बचानी है पुलिस से, अगला जिए या मरे तुझे कोई परवाह नहीं ना। ढाबे पे ना बचाया होता, तंदूर में पड़ा होता। ओ, तूने बचाया है? अरे तूने ही तो फंसाया मुझे, बुलाया नहीं होता तो मैं आता ही क्यों इस सड़ी हुई जगह पे। भूल गया? हेलो धरंजय, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रहम किया मैंने तुझ पर। बड़े बाप की औलाद है इसलिए फंसा है।
तेरे सूट बूट, तेरे पैसे, तेरे रुतबे ने फंसाया तुझे। उन लोगों को तेरे जैसा हिसाब चाहिए था शराब जी तक पहुंचने के लिए। जलता है तू मेरे पैसे पे, मेरी कामयाबी पे, मेरी पहचान पे, मेरे जायज होने पे जलता है। नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या बात है साहब, आतंकवादी ढूंढ रहे? ए, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? रूटीन चेकिंग कर रहा हूं। ट्रैक नंबर RJS 2732। अंदर क्या है? अरे कुछ नहीं है साहब। अरे सड़ेला ट्रक है यार, क्या होगा अंदर? तुम चुप रहो, खोल के दिखाओ। सर सर, क्या है? हेडक्वार्टर से खबर आई है, दो आतंकवादी एक ट्रक चुरा के भागे हैं। भागे हैं तो यहाँ थोड़े ही आएंगे। प्रेमनाथ चौबे के इलाके में आज तक कोई आया है? कोई नहीं। एनीवे, ट्रक का नंबर या उनका हुलिया मिला? हाँ सर, ट्रक का नंबर तो मैं भूल गया, और हुलिया उन्होंने बताया था कि एक अंग्रेज है और दूसरा पठान है। उसके बाद रेडियो खराब हो गया सर। ऐसी जोड़ी तुम लोगों ने कहीं देखी? नहीं। पता नहीं साले कहाँ होंगे। मालूम नहीं सर। तुम रेडियो के पास लगे बैठो। ए, चलो ट्रक खोल के दिखाओ। चलो आइए। चलो देखिए। हवलदार जी साहब, देखो अंदर क्या है। नहीं साहब, अंदर कुछ नहीं है, ट्रक बिल्कुल खाली है। ठीक है, जाने दो ट्रक को। चलो चलो चलो, जाने दो। ओह नो, मरियम। आदाब। जीती रहो। आफताब की कोई खबर? अभी तक तो कोई खबर नहीं। सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। पर वो तो अल्लाह को मानता ही नहीं। सारे रिश्तों की डोर उनके हाथ में है, जिस दिन वो डोर खींचेंगे तेरा बेटा अपने आप की चचला आएगा। तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? जो होना है वही होगा। मुझे लगता है मैं अथॉरिटीज को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, सब बता देना चाहिए। तुम्हारी माँ को कैसे अगवा किया गया ताकि तुम मुझे यहाँ राजस्थान बुलाने पे मजबूर हो जाओ, और फिर स्वराज जी को उड़ाने की साजिश, सब कुछ। हाँ, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सिर्फ बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। ये बात अब हम दोनों की हो चुकी है आफताब, और कानून की मदद मांगने से तुम्हारी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी। तू अपने आप को बचाना चाहता है ना, तो जा, हाथों में चूड़ियां पहन ले और अपनी रिहाई की भीख मांग ले दरोगा से। जा अपने बाप के नाम के पीछे जाके छुप जा। वो दोनों? आइए आइए सब जल्दी आइए, मैंने उन दोनों को पकड़ रखा है। मैंने पकड़ा। आइए। मैंने मैंने साले, तुम लोग क्या छल मार रहे थे? चलो जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। कम 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 कम। मैं सीबीआई ऑफिसर जडेजा हूं, यह केस मेरे अंडर है
आप लोग अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देखिए सर, हम दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं। मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप लोग अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आओ आओ आओ। ये क्या कर रहा है तू? तुम मुझे नहीं मार सकते। एक आदमी को तो पहले ही मार चुका हूँ। लेकिन वो जिंदा था, वो तुम्हारे हाथों नहीं मरा। किस्मत अच्छी थी साले की जो मेरे हाथों नहीं मरा। मैं जानता हूँ तुमने उसके ऊपर गोली क्यों चलाई, क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगा। देखा, ये है तेरा इंसाफ। नहीं, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। गोलियां चला देते हो लोगों पर, इसलिए मैंने एक गन फेंक दी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता। कुछ नहीं होगा तुमको। अरे बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात तो अब हम बक्ता सर, पता कर इस ट्रेन का अगला स्टेशन कौन सा है। सीबीआई की बातों में आएंगे तो हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। देखिए बैकुंठ साहब, मैं यहाँ सोराब जी की केस की जट ढूंढने आया हूँ, अपने बहादुरी के नमूने दिखाने नहीं। मुझे शक हो रहा है मिस्टर जडेजा आपके इरादों पर। रपट भेजूंगा मैं हेडक्वार्टर। अरे कौन सी रपट? इरादे तो आपके बदले हुए लगते हैं बैकुंठ साहब। यूं लगता है जैसे आप उन लड़कों को मारने पर तुले हुए हैं। आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं मिस्टर जडेजा। आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। कोई आतंकवादी ऐसी भरी पिस्तौल थोड़ी ना फेंकेगा। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो उन्हें कौन फंसा रहा है। चलो तुम्हारे पास कोई पिन वेन है? पिन? अरे तुम्हारे साथ भाग भाग के तो मैं अपना घर का पिन कोड नंबर भूल चुका हूं यार। पिन मार। कोई पेन है? पेन? एक सेकंड, चलेगा? टाई पिन है, टाई पिन। इसके साथ शर्ट को टाई से चिपकाते हैं। हाँ मालूम है, मालूम है। हाँ लगता है बिन चाबी के ताले खोलने की आदत है तुम्हारी। Sorry, peace brother, मैं भूल गया। No fighting. अबे ओ थोड़ा झाप। प्यार की निशानी है यार, जरा प्यार से। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, प्यार की खुशबू का नशा क्या होता है।
आंखों से आंखों तक का पता क्या होता है। जब प्यार करने वाली का साथ होना तो इंसान दुनिया से अकेले लड़के भी जीत सकता है। लेकिन तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो ना। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? What? Don't tell me तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कहाँ? मानपुर की रेत में या चांदनी के नीचे? Shut up. वाह, अंग्रेजी में सीखा भी तो गाली हाँ? ओ रागिनी, याद है जिस दुनिया के बारे में हमने सोचा था? या वो एक खूबसूरत सपना था, या ये एक भयानक हकीकत? ओ रागिनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? Excuse me. Yes. मुझे धनंजय पंडित से मिलना है। एक मिनट। जडेजा स्पीकिंग ओवर। यस सर। संध्या पहले मेरी बात सुनो। आफताब और धनंजय मालगाड़ी में कूदकर आगरा की तरफ भाग गए हैं। हम उन्हें अगले स्टेशन पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। ओवर। लेकिन सर आपकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? संध्या, मुझे तो लगता है कि सोराब जी के हत्या के पीछे जरूर किसी सीनियर लेवल के ऑफिशियल का हाथ है। सर वो बैकुंठी हो। शट अप, क्या बकती रहती है? पागल से। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन? तुम्हें जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? जिस कमरे की बात धनंजय पंडित कर रहा था सर, वहाँ से 13 जून 97 का इकोनॉमिक टाइम्स अखबार मिला, वो भी आधा जला हुआ सर। सुनिए, उसी दिन धनंजय पंडित की फोटो छपी थी अखबार में जस्टिस सुराब जी से अवार्ड लेते हुए। संध्या, ये आवाज किसकी है? किसकी आवाज है ये? कोई लड़की धनंजय को ढूंढते हुए यहाँ आई है सर। मेरा, इस लड़की की बातों से लगता है कि कोई जानता था कि धनंजय और सोराब जी एक दूसरे को जानते थे। सर ये बात रूटीन नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। संध्या, तुम उसे तब तक जाने नहीं देना जब तक हम वापस नहीं आ जाएं। मुझे लगता है उन दोनों लड़कों को पकड़वाने में ये लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। फॉर गॉड्स सेक, इस बार गलती मत करना। ओवर। वैसे सर बाकी सबका रवैया कैसा है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस लड़की को हिरासत में ले लो। ओके सर, सुनिए। ओह शिट। कहाँ पहुंचे हम? हम तो वहीं के वहीं हैं। ट्रेन चल रही है। लड़की का फोटो रो भी तेरे पास? इसका मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था। क्या हुआ, बात नहीं बनी? ब्यूटीफुल गर्ल, दिल तोड़ दिया होगा तूने इसका, झगड़ा कर दिया होगा इसके साथ, और कर ही क्या सकता है तू? उसके घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। और करेंगे क्या बेचारे, रिश्ता तो टूटना ही था। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, अच्छी नौकरी नहीं होगी। मेरे पास मेरे बाप का नाम नहीं था। तुम्हें कल ही मेरे घर रिश्ता लेके आना होगा। अबा का तबादला हो चुका है, परसों हम कश्मीर जा रहे हैं और उसके बाद हमेशा के लिए था। आ जाऊंगा।
ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है। अब देखता हूं साला जडेजा कैसे आता है मेरे रास्ते में। सर कुछ भी हो आखिर वो सीबीआई का आदमी है। देख चुके हो तुम सब लोग किस तरह से वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, बार बार दोनों को छोड़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के पहुंचते ही सस्पेंड हो जाएगा साला। रागिनी हाय। आगे पुलिस तुम लोगों का इंतजार कर रही है स्टेशन पर, तुम लोग ट्रेन से उतरो। ओह आई लव यू टू बेबी। इडियट, मैं वो नहीं कह रही हूँ। आगे पुलिस तुम लोगों का स्टेशन पर इंतजार कर रही है। दे वेटिंग फॉर यू। व्हाट? अबे इडियट अंग्रेजी में बोल रही है, समझने की कोशिश कर। आई कांट हियर यू। जय, ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है। गेट ऑफ द ट्रेन। चलो कूदते हैं। अबे क्या कर रहा है, मरना है क्या? ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है, वो गलत ट्रैक पर चली गई है और वो आगे जाकर टकरा जाएगी क्योंकि आगे बंद सुरंग है।
इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है सर, वो देखिए। भक्ता सर, इनकी गाड़ी के बारे में सारे चेक पोस्ट को खबर कर दो, नाकाबंदी करवा दो, आसपास के सारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के बारे में मुझे बताओ। सर का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से बिना वजह बंधे। नहीं जय, बिना वजह नहीं, इसके पीछे भी कोई बात होगी। जय कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बॉम्बे फोन करने जा रहा हूँ अपने वकील से बात करने। मुझे लगता है अब इस दलदल से मुझे वही बचा सकता है। हेलो वकील साहब, मैं धनंजय बोल रहा हूँ। धनंजय तुम कहाँ हो? Are you all right? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वकील साहब, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। I know, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई ने तुम्हें फंसाया है। God knows और तुम्हें कितना फंसाएगा। मैं अब उससे आजाद हो चुका हूँ, वो अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते। बेवकूफ मत बनो धनंजय, उस आदमी का तुम्हारे साथ रहना बहुत ही जरूरी है। जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं होगा मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? पता नहीं, धौलपुर के कहीं आसपास। ऑलराइट, तुम एक काम करो, कल सुबह आगरा से बंबई की फ्लाइट पकड़ो, टिकट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। लेकिन आफताब के साथ मैं... देखो धनंजय मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे खिलाफ आतंकवाद का इल्जाम है और जिसकी सजा सिर्फ फांसी है, समझे? अगर तुम फांसी से बच भी गए तो कम से कम 35 साल जेल में सड़ोगे तुम। अगर तुम्हें बचाना है तो मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो अपने आप छूट जाएगा। इस बात का भी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। धनंजय अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कम से कम इस बार मेरा कहना मानो। ओके। क्या बात है जय? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? रात होने वाली है, मैं अंधेरे की आड़ में घर पर। पागल हो गए हो क्या? पुलिस तुम्हारा वहां इंतजार कर रही होगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी अम्मी के पास पहुंचना है। और उसके बाद? अपनी अम्मी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। आफताब एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। ये केस कितना बड़ा है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मेरी अभी अपनी वकील से बात हुई है और वो लोग आतंकवादी का ठप्पा लगा के तुम्हें और तुम्हारी मां को अंदर कर देंगे। कम से कम अपने मां को तो बचाने की सोचो। बचा लूंगा। मान जाओ आफताब, बंबई जैसे शहर में भी कई बेगुनाह लोग जेल में घुट रहे हैं और इस वीराने में पुलिस तुम लोगों के साथ क्या करेगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी गिरफ्तार हो जाए? आफताब मैं पूरा इंतजाम कर चुका हूँ, हमें आगरा से बॉम्बे की फ्लाइट लेनी है, वहां मेरा वकील चुनाव सब ठीक कर देगा। चलो। एक मिनट, हमें आगरा पहुंचना कब है? कल सुबह, come on। नहीं, अभी एक कहानी बाकी है, आफताब और रुखसाना की कहानी। What? आफताब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसी शहर में रहती है ना? चलो एक बार उसे मिलाएं। कोई फायदा नहीं। अपनों का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे इतनी आसानी से मत छोड़ना। ओ गॉड, लगता है रुखसाना की शादी हो रही है, अब क्या करें?
मैं अंदर से रुखसाना को ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ इंतजार करो। चलो रुखसाना। रुक जाओ आफ्ताब। ओह ग्रेट, अब यहां तो रास्ता ही खत्म हो गया, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं छूटेगा बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, चलो मेरे साथ। अरे हमें कुछ करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन कोई ना कोई रास्ता। हेलो, क्या बात है? डर लग रहा है, हम इस तरह भाग आए हैं, क्या लोगों को ये रिश्ता कबूल होगा? लोगों ने रब को रब कहा है, लेकिन मैंने अपने यार को रब कहा है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरा रब मिल गया। आगे रब की मर्जी। और अगर मैं अपने रब को जानता हूं तो उसे यह रिश्ता कबूल होगा। कबूल है? बोले फिर भी है दूरियां, रब आशिकों की ये मज।
मजबूरियां। प्यार से चले जाना है प्यार तक, दरिया में डूब के दरिया के पार तक। हम प्यार से चले जाना है प्यार तक, दरिया में डूब के दरिया के पार तक। ये प्यार होके रहता है, आंख लड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, आग लग जाती है, हाय मजबूर होके दिल देना ही पैंदा है, गम लेना ही पैंदा है, दिल देना ही पैंदा है, गम लेना ही पैंदा है, दिल देना ही पैंदा है। शुक्रिया। Come on, let's move. जय, ये एयरपोर्ट तो बिल्कुल खाली है। अब किसी ना किसी काउंटर पर मेरे वकील ने जरूर टिकट छोड़ा होगा। आफताब, तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। आओ रुखसाना। फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं धनंजय पंडित के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप कौन है? जी, मेरा नाम चिनॉय है, मैं उनका वकील हूँ। बस, थारा खेल खत्म हो गया सुअर। रुको रुको बैकुन, रुको, समझदारी से काम लो। पिस्तौल नीचे कराओ। Arrest him! Baba! Thank you.
रागिनी, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल या दवाखाना जरूर होगा। फाइंड वन क्विक। नहीं धनंजय, बहुत खून जा रहा है आफ्ताब। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पुलिस को पता चल जाएगा। नहीं आफ्ताब, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। रागिनी फास्ट रह। जे मेरी बात समझ। देखिए ये केस में पुलिस को बताए बगैर नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब समझने की कोशिश कीजिए, इसके सीने में गोली लगी है। That's none of my business. You make it your bloody business. ये क्या कर रहे आप? डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे दिमाग की बैंड बजी हुई है। ओके आई विल डू इट। आफ्ताब, क्या जरूरत थी ये सब करने की? तो क्या तुम्हें यूं ही छोड़ देता? और तुम्हें क्या जरूरत थी एयरपोर्ट पर पलट कर वापस आने की, मेरी जान बचाने की? तो क्या करता, तुम्हें यूं ही छोड़ देता? चल अब तू जल्दी ठीक हो जा। एक और काम कर दे, मुझे दरगाह ले चल, आज अम्मी की ये शिकायत भी दूर कर देते। नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है, तू नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। अकेला नहीं है, उसकी नजर में सारे रिश्ते जायज हैं, और तुझी में तो उसकी सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज तूने सबको माफ कर दिया। मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें। मुझे दो फरार कैदियों की तलाश है। यहां ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं। जाने दीजिए सर, यहां से चलिए। कमरा की नहीं चुनाव, तुम यहां क्या कर रहे हो? डोंट वरी, रिलैक्स। एक सेकंड, इट्स ओके आफ्ताब, ये मेरा आदमी है, इट्स ऑल राइट। तुम यहां कैसे आए? मैंने इनको सब समझा दिया है। तू क्या क्या रहा है यार तू? वही जो हमने फोन पे तय किया था। क्या तय किया था? वही जो फोन पे कहा था। फोन पर कहा था? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ कैसे आए? एक सेकंड, रिलैक्स। सर, वादे के मुताबिक मेरा क्लाइंट इस आतंकवादी को आपके सामने ले आया है। चिनॉय, लिसन टू मी। रिक्वेस्ट है कि मेरे जरा मुझे इनकी बात सुनने दो। सर, इनकी बात मत सुनिए। चिनॉय, शट अप, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। धनंजय, मजबूरी मत करो। आफ्ताब, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। सब कुछ एकदम साफ है, अब कोई चालाकी मत करना लौंडे। ये क्या कह रहे हो बैकुंठ? ये मेरा केस है। तारा केस था, अब ये महारा केस है। अब तू सस्पेंड हो चुका है। क्या बकते हो? बकता दिखा साले को। अब चलो तुम लोग, खत्म हो गया तारा खेल। डालो साले को गाड़ी में।
आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात सुनने की कोशिश करो। Don't treat him like that। छोड़िए मुझे उससे बात करनी है। अम्मी जल्दी से सामान बांधो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। धनंजय कहाँ है? भूल जाओ उसे, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन बेटा, वो हमारी वजह से तो फंसा है, और तुम्हें तो उसे छुड़ाना। अम्मी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं कबूल करता हूँ कि आफताब निर्दोष है, और ऊपर लिखे गुनाहों में मेरा और सिर्फ मेरा हाथ है। साला। कुछ काम नहीं आएगी ये तेरी कुर्बानी, कुछ काम नहीं आएगी। आफताब को तू इस तरह से तो नहीं बचा सकता। उस हरामजादे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। ए! मुझे अफसर ही दिखाता है। भक्ता, डाले साले को अंदर, और कड़ी नजर रखना। मैं जरा आफताब की खबर लेके आता हूँ। आफताब, कहाँ जा रहे हो? उस बेवकूफ को छुड़ाने। क्या? ढूंढ निकाल उस हराम के पिल्ले को, उसको गांव भर में कुत्ते की तरह घसीटना है मन्ने। जल्दी जाओ। बहुत मारा ना तुझे, गिरफ्तार नहीं करेगा। तूने अपने आप को गिरफ्तार करके मारा काम आसान कर दिया है। लौंडो, सुअर की मौत मारूंगा तुम दोनों को। नजर रखो सालों के ऊपर। तुझे जाने के लिए कहा गया था ना, गया क्यों नहीं? निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। तुमने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया? अरे पागल, यहां का अंजाम जानते हो तुम? यहां क्यों आए? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए। अरे मजाक छोड़ो आफताब, जब भागने का मौका था तो भागे क्यों नहीं? यहाँ क्यों आए? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी शायद इस सवाल का जवाब मैं खुद नहीं जानता। मैं बयान दे चुका हूँ आफताब,
कि सब कुछ मैंने किया है और तू निर्दोष है। पागल हो गए हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी शायद इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं जानता। क्या है ये? तो लो फ्रीक्वेंसी है सर, इस पे तो सिर्फ आतंकवादी बात करता है। आपको क्या लगता है कितनी दूरी पर है? देख सर, 50 to 100 meters सर। माल भेज रहा हूं, घबराओ मत। वाह भक्ता वाह, दांत देनी पड़ेगी थारी। मारे ही आस्ती में पला और मुझ जैसे ही आदमी को बेवकूफ बनाया। जिन हथियारों को बर्बाद करने का हमें ऑर्डर मिला था वही हथियार तू दुश्मन को बेचने चला था। वाह वाह, हम सबको तुझ पर नाज है नाज। ये सब क्या हो रहा है भक्ता? सर, मैं आपका पीछा करते करते यहां तक आया। मैंने देखा कमांडेंट साहब ने आपको बेहोश कर दिया है। वो आपको मार देना चाहते थे, मैंने रोकने की कोशिश की कि मुझे भी मार देना चाहते थे। ठीक वक्त पे आपको होश आ गया सर, वरना आज हम दोनों मारे जाते। लेकिन तूने तो इसकी जान ही ले ली। और कोई चारा नहीं था सर, मैंने रेडियो पे सारी बातें सुन ली थी। हमें इसी आदमी की तलाश थी सर। इसका मतलब बैकुंठ के बारे में मेरा शक सही था। भक्ता जवाब दो, बैकुंठ की आवाज में जवाब दो। हाँ मैं खरगोश बोल रहा हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, मेरी आवाज को तुम बोलो। माल आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। इस बार दो ट्रक चाहिए, एक पिछली बार के लिए और एक आज के लिए। ठीक है। कुलधारा गांव 6 बजे, और उम्मीद है उन दोनों लड़कों को तुमने जाल में फंसा लिया होगा। खुदा हाफिज। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा, यही तो मौका है उन खरीदारों को पकड़ने का। तुम दो ट्रक में हथियार की जगह पत्थर भर दो और अपने 20 भरोसेमंद आदमियों को साथ ले लो। सर आप ट्रक का इंतजाम कीजिए, मैं अपने आदमियों को इकट्ठा करता हूं। राइट। रंजीत सर, दो ट्रक हथियार भरो और कुलथरा गांव दूसरे रास्ते से पहुंचो। बैकुंठ तुम्हारा गया, मगर हमारा क्या होगा सर? तुम दोनों को थोड़ी देर यही रुकना होगा, मैं बॉर्डर से लौटकर तुम दोनों की कार्रवाई पूरी कर दूंगा। बट व्हाई नॉट नाउ? क्योंकि भक्ता तैयारी हो गई। हाँ गुड, दो यहां रहेंगे, बाकी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन सर आपको आपका आदमी मिल गया, हमें जाने दीजिए ना। मुझे आकर तुम दोनों का बयान भी तो बदलना है। बहराम तुम रेडियो के पास बैठो, चलो भक्ता।
ओह माय गॉड, ओह जीसस। क्या हुआ? याद आ गया। क्या? भक्ता, जुलेपे, उसी ने मुझे बम दिया था। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ है। अब वो जडेजा को बॉर्डर पे खत्म कर देगा और वापस आकर हमें, अब क्या करें? करना क्या है, चल बैंड बजाते हैं। सर आप कहें तो मैं जवानों को कुलधरा गांव को पीछे से घेरने को कहूं। बता, देखो इस इलाके को मुझसे अच्छी तरह तुम जानते हो, जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन किसी भी हालत में टेररिस्ट अपने हाथ से छुटने ना पाए। सर, बॉर्डर के इलाके का आखिरी गांव कुलधारा को पीछे से घेरो और जब तक मैं कोई आदेश ना दूं कोई कार्रवाई मत करना। ओके सर। देश में आग लगा देगा। मैं हूं ना, तू डर। सर ये कुलधारा है, बॉर्डर का आखिरी गांव। वो देखिए सर, ट्रक आ गए सर। चलो सर, मैं इस गांव को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं दो जवानों को लेकर आगे जाता हूं, आप दो जवानों के साथ मुझे कवर कीजिए। कहां गया बगुला भक्ता? दुगला साला। इनको गिनती सिखाते। नूरा, नूरा को मारेगा है? पागल हो गया है? पीछे से भी ये ऑफिसर है, मैं नाटक कर रहा हूं, अपने आदमियों को भेजो और उसे पकड़वा कर यहां मंगवाओ। लेफ्टिनेंट त्रिलोक को कांटेक्ट करो। जी सर। कि गांव पर हमला करें। हथियार फेंक दो। जडेजा, सोराब जी, गोदाम वाले, टीका वाले, हवलदार जेटामल, ट्रेन वाले और बैकुंठ को मैंने ही मारा था। वाह वाह। और उन दो लड़कों को मैंने ही फंसवाया था। वाह वाह। तुझे यहाँ मरवाऊंगा और उन दो लड़कों को वहां मारूंगा, उसके बाद मैं कमांडेंट बनूंगा। मार दो साले को।
नहीं सकता क्या? हट नहीं सकता क्या? इसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है और शास्त्र कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद उनके अधूरे संस्कार, उनके सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सब कुछ बड़े बेटे को ही पूरा करना है, पिता के वंश को आगे बढ़ाना है और पिता के सारे सांसारिक रिश्ते नातों को मन, वचन, कर्म से अपना लेना है। लो आफ्ताब, अपने हक को अपना लो। तुम्हें तो अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया आफ्ताब, लेकिन कोई अब तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। तू जवाब चाहती थी ना अम्मी, तो सुन, तेरा फैसला पाक था। तूने तो सिर्फ प्यार किया, तो काम सबको वक्त ने दिया। मैं अल्लाह मियां से दुआ मांगता हूं कि वो हर औरत को तेरे बराबर की हिम्मत दे और हर बेटे की तकदीर वो जैसी अच्छी लिखे जिसे तो जैसी अम्मी मिली। माफ करते अम्मी, मुझे बड़ा होने में थोड़ा वक्त लग गया। अम्मी हमेशा कहती है कि मैं इतना अकेला क्यों रहता हूं, कि मैं रोता क्यों नहीं, किसी से सहारा क्यों नहीं मांगता। आज मांगता हूं जय, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं रोना चाहता।